हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज स्टडी विद मीनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। और कैसे चल रहे प्रिपरेशन? आई होप इट वाज गोइंग ऑन अवेसिम। चलो फटाफट से अपन टाइम वेस्ट नहीं करते और देखते हैं आज हम कौन सा टॉपिक लेके आए हैं। आज हम जो लाए हैं ना, वो लाए हम हर्ज़बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी। इससे पहले हमने कौन कौन सी की थी? एक्स एंड वाई थ्योरी की थी और अब्राहम मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी क्या होती है। गाइस, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप बने रहिए तब तक पूरी वीडियो जब तक कम्प्लीट ना हो। गाइस, अगर आपने अभी तक भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गिवन है। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है UGC नेट एंड JRF अचीवर्स और यूट्यूब चैनल है स्टडी विद मीनल। अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके वीडियो को पॉज करो और पहले इसको जाके सब्सक्राइब करो। चलो मूव फॉरवर्ड। हमारा कोट, द हार्डर द जर्नी द स्ट्रॉन्गर यू विल बिकेम। मतलब जितनी हार्ड हमारी जर्नी होती है ना, उतने स्ट्रॉन्ग हम बनते हैं। मतलब अगर हमारी बहुत मेहनत लगती है ना हमारी किसी भी चीज़ में, तो मतलब आप ये चीज़ मान के चलिए कि उसका आउटकम बहुत अच्छा आने वाला है। अब हम देखते हैं एन इंट्रोडक्शन टू हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी। मतलब एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। इन 1959 में फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग एक अंकल थे, उन्होंने क्या किया था, बिहेवियरल साइंटिफिक प्रपोज्ड अ टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड हाइजीन। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, उसका वो किस पे बेस थी? मोटिवेशन और हाइजीन पे बेस थी। ये अंकल कौन है? ये अंकल है फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। इन्होंने ही हमको टू मोटिवेशन थ्योरी दी थी, उसमें क्या, अब हम देखते हैं इन्होंने ये थ्योरी का प्रपाउंड कैसे किया था, अब हम वो देखते हैं। इन्होंने क्या किया था, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में गए थे, वहाँ पे रिसर्च की थी। वहाँ पे ऑलमोस्ट 200 to 300 अकाउंटेंट्स और इंजीनियर्स थे, तो उन्होंने उनके साथ इंटरव्यू किया और उनके साथ इंटरेक्ट हुए थे, तो उन्होंने उसका समराइज रिज़ल्ट निकाला था। तो उसका समराइज रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया था, हमारे पास दो थ्योरीज आई। पहली आई हाइजीन मेंटेनेंस और हेल्थ थ्योरी, और सेकेंड आई मोटिवेशन थ्योरी। मतलब कि हम अगर एम्प्लॉयज़ को अगर कोई चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं तो वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे, और अगर हम उनको मोटिवेट करते तो भी वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे। अगर उनको डिससेटिस्फेक्शन होगा और वो सेटिस्फाई नहीं होंगे ना, तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा सकते हैं। तो इन्होंने ये थ्योरी को ऐसे मतलब प्रपाउंड किया था, मतलब ऐसे बनाया था इस थ्योरी को। मतलब हर्ज़बर्ग अंकल के अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने टू थ्योरीज दी थी। पहली थी हेल्थ फैक्टर और हाइजीन फैक्टर, और सेकेंड है मोटिवेशनल फैक्टर्स, और इसके साथ साथ सेटिस्फैक्ट्री फैक्टर्स एंड डिससेटिस्फैक्ट्री फैक्टर्स भी इसमें इंक्लूड हैं। चलो अब हम देखते हैं हेल्थ फैक्टर्स क्या होते हैं। मतलब हेल्थ फैक्टर्स वो होते हैं जो रिलेट करते हैं एनवायरनमेंट और सिचुएशन ऑफ वर्क। मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा वर्क सिचुएशन है, और ऑल्सो द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है। द अदर नेम ऑफ दिस फैक्टर इज हाइजीन फैक्टर। ओके, आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब हम देखते हैं मोटिवेशन फैक्टर्स। ये फैक्टर्स रिलेट करते हैं सब्जेक्ट से टू द वर्क ऑफ दूज दे आर एक्सपीरियंस ऑफ पीपल विद प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन रिलेटेड टू द इंटरनल एनवायरनमेंट। मतलब इसमें क्या होता है, ये सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड करते हैं, किनके, जो उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं और उनको एक्सपीरियंस होता है, और वो क्या प्रोवाइड करते हैं, सेटिस्फेक्शन एंड रिलेटेड टू द इंटरनल एनवायरनमेंट। और वो किससे रिलेटेड होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट में, और जबकि हेल्थ में किसे होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। आई होप ये क्लियर होगा। अब हम देखते हैं मोटिवेटर्स और हाइजीन फैक्टर्स। ये थोड़ा सा है, कैन लैक मोटिवेट बट लैक मोटिवेटर्स कैन नॉट डिससेटिस्फाई। मतलब जो मोटिवेटेड होते हैं अपने वर्क को लेके और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, तो वो उनको डिससेटिस्फेक्शन नहीं होता है। जबकि हाइजीन फैक्टर्स में क्या होता है, डिससेटिस्फेक्शन बट कैन नॉट मोटिवेटेड, उनको डिससेटिस्फेक्शन होता है और वो मोटिवेटेड नहीं होते हैं। तो
क्या हो गया, मतलब मोटिवेटर्स में उनको डिससेटिस्फेक्शन नहीं होता है और यहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन होता है। सॉरी गाइस, अब हम देखते हैं थोड़ा सा और डिफरेंस। मोटिवेटर मोटिवेशन फैक्टर्स में हम किस किस को इंक्लूड करेंगे? हम इंक्लूड करेंगे अचीवमेंट्स को, मतलब जो भी हम लोगों को अचीवमेंट्स मिलती है, जैसे इनमें इन्होंने क्या कर लिया, ये इस रेस को विन कर लिया। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, जैसे आपको पता अथॉरिटी डेलीगेट होती है तो उसके साथ साथ हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है। फिर रिकॉग्नाइजेशन, मतलब हम लोगों को सब लोग हमें याद रखना पड़ता है या सब लोग हमें जान सकते। फिर हाइजीन फैक्टर्स में क्या इंक्लूड करते हैं हम लोग, वर्किंग कंडीशन, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग कंडीशन कैसा है, हम हमारे एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी दे रहे हैं, मतलब कितनी सैलरी, कितना पे उनको मिल रहा है, कितना पे रोल बेसिस पे मिल रहा है, तो वो सब। और जॉब सिक्योरिटी, मतलब उनकी जॉब की सिक्योरिटी क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम देखते हैं, ये वही चार्ट है बट इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें मोटिवेशन फैक्टर्स में हम किस चीज़ को इंक्लूड करेंगे, रिवॉर्ड, रिकॉग्नाइजेशन, चैलेंजिंग जॉब और अपॉर्चुनिटी टू प्रमोशन एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट। मतलब इन मोटिवेशन वी हैव इंक्लूड द इंटरनल फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन। हमने मोटिवेशन की थ्योरी की है तो आप जाके चेक कर लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो उसमें क्या होगा, सेंस ऑफ अचीवमेंट्स, मतलब वो अचीवमेंट को जानेंगे। फिर हाइजीन फैक्टर्स में क्या है, मतलब एनवायरनमेंट, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को गिनेंगे। और मोटिवेशन में हम किसको देखेंगे, इंटरनल एनवायरनमेंट में। तो क्या आ जाएगा, वर्किंग एनवायरनमेंट, जॉब सिक्योरिटी, फ्रिंज बेनिफिट एंड सैलरी लेवल आर इंक्लूडेड इन द हाइजीन फैक्टर्स। यहाँ पे भी थोड़ी सी थ्योरी दे रखी है, मैं आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ। इट इज़ अ पुट एन एक्शन टू दिस पुल टू अचीव द ग्रेटर थिंग, नॉट टू पुट एक्शन बट स्टिल दे नॉट एज विल इट इज़ नॉट सर्टेन टू। ये बस मोटिवेशन और नॉन मोटिवेशन का डिफरेंस है सिंपल सा। अब देखो टू फैक्टर थ्योरी, मतलब इसमें मोटिवेशन फैक्टर्स में क्या होता है, ये डिससेटिस्फेक्शन से रिलेटेड नहीं होती है। और हाइजीन फैक्टर्स में क्या होता है, कंपनीज की जो सच एज पॉलिसीज, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन और सैलरी होती है ना, डेट इज़ एडुकेट इन जॉब प्लेस वर्कर्स वेयर द पीपल इज एडुकेट एंड पीपल आर नॉट डिससेटिस्फाइड। मतलब वो डिससेटिस्फाइड नहीं होते हैं बट वो मोटिवेटेड नहीं होते हाइजीन फैक्टर्स में। और जबकि मोटिवेशन फैक्टर्स में क्या होता है, वो मोटिवेटेड होते हैं। अब ये देखो एक सिंपल सा है, एम्प्लॉयज आर डिससेटिस्फाइड एंड अनमोटिवेटेड। मतलब हाइजीन फैक्टर्स में क्या होते हैं, एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड होते हैं और अनमोटिवेटेड होते हैं। जबकि मोटिवेशनल फैक्टर्स में क्या होते हैं, एम्प्लॉयज आर नॉट डिससेटिस्फाइड बट अनमोटिवेटेड। इसमें क्या होते हैं, ये मतलब डिससेटिस्फाइड नहीं होते, ये अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है बट वो अनमोटिवेटेड फील करते हैं। फिर एट लास्ट क्या होता है, एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड और मोटिवेटेड। मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या होंगे, वो डिससेटिस्फाइड भी होंगे और अनमोटिवेटेड भी होंगे। फिर सेकंड में क्या होंगे, वो डिससेटिस्फाइड होंगे बट अनमोटिवेटेड होंगे। मतलब नॉट डिससेटिस्फाइड, मतलब डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे बट वो अनमोटिवेटेड होंगे। बट थर्ड में क्या होगा, वो एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड होंगे और मोटिवेटेड भी हो जाएंगे। जहाँ पे वो डिससेटिस्फाइड और अनमोटिवेटेड होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, हाइजीन फैक्टर्स। और जहाँ पे वो मोटिवेटेड होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, मोटिवेटेड। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, ऐसे वर्कर्स काम करते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स का, आप मेरे को कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और आप अगर आप तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड गाइज थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच गाइज कि आप इस वीडियो का पार्ट बने। आप इसी तरह से हंसते रहिए, ऐसी प्यारी सी स्माइली अपने फेस पे रखते रहिए। और हमें हमारा ड्रीम क्या है, हमें JRF और नेट निकाल के अपने मम्मा पापा को प्राउड करवाना है, तो ये हमारा ड्रीम है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे गाइज, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग और पढ़ते रहिए। सो बाय बाय।